जय जगन्नाथ पिला माने समस्त नवम श्रेणी पिला माने पई आसी जाईची एफए3 एग्जाम विज्ञान विषय रे पोर्टफोलियो एवं सब्जेक्ट एनरिचमेंट एवं एही वीडियो रे हमें डिस्कशन करबा 100% रियल प्रश्न एवं तार उत्तर जाकि तुमरो पोर्टफोलियो एवं सब्जेक्ट एनरिचमेंट विषय रे पड़ी अछि एवं तार उत्तर ई वीडियो रे हमें डिस्कशन करबा एवं ता सहित किपरि ई सब विषय को तुम निज मोबाइल रे डाउनलोड करी परवर्ती समय रे तुम ताको लेखि परबो अति सहज रे मु एही वीडियो रे बुझेची पिला माने डेरी न करी चलो वीडियो टिको आरंभ करी दबा। एही वीडियो रे पिला माने हमें डिस्कशन करबा प्रथमे पोर्टफोलियो रे समस्त प्रश्न एवं तार उत्तर जहाँ कि तुमर नवम श्रेणी विषय एफए3 रे पढ़ीबा पई जाउ अछि एवं एहा होची रियल प्रश्न एवं उत्तर तेणु सर्वप्रथम मु तुमको कहि रखुची जो प्रश्न एवं उत्तर गुड़क देखिबो ताको स्क्रीनशॉट मारी देबो किंबा पिला माने ताको पॉज करके खाता एवं पेन नै करि आसे एवं लेखिया पई प्रथमे चेष्टा करबो। देखो रे पिला माने प्रथम सब्जेक्ट कोन रहिची पोर्टफोलियो रो साइंस विषय रे प्रथमे आमे देखिबा। देखो एक नंबर कौन अच्छी पोर्टफोलियो एक नंबर कौन अच्छी देखो गालिलियो गालिलेई को फोटो संग्रह करी तांकर जीवनी ओ से देइथिबा विभिन्न धारणा संबंध रे लेख ठीक अछि एला 10 मार्क रो प्रश्न एवं एक नंबर तमे दुईटी प्रश्न पाइबो एवं तमको मु गोटिए प्रश्न रो उत्तर बुझेबी एवं से प्रश्न उत्तर को तमे प्रथमे गोल को लक्ष्य रे लेखिबो एवं जदि लेखिया पई चाहुचो निजो पेन बा निजो हैंडराइटिंग रे मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिबो सर हमरो हैंडराइटिंग रे लेखिथिबा किछि प्रश्न उत्तर आनंतु मु तापरे नेक्स्ट वीडियो रे तमको नै करि आसीबी किंबा एभली तमरो विषय नै करि आसीबी। देखो अति सहज रे ई सब समस्त प्रश्न उत्तर पाइपरिबो एवं 100% मार्क एग्जाम आनी पारे। एक नंबर देख कौन रही देखीदल दुई नंबर देख कौन रही से दुईटा चित्र रही चित्र अंकन कर स्नायुकोश आ गोटे रही कोलेन काइम टीस्यूर नामांकित चित्र अंकन कर दुईटे किंबा गोटे तेणु जेकोसी गोटे कर देख सब्जेक्ट एनरिचमेंट आक्टिविट देख के सब प्रश्न गुड़िक रही देख एक नंबर कौन प्रश्न रही जदि क्रिया बल परिमाण सर्वदा प्रतिक्रिया बल परिमाण सहित सामान तबे केते घोड़ा किपरी घोड़ा गुड़िक टाणे द्वारा चित्र द्वारा देखेब किंबा निया लिभाली निया लिभाउथवा दृश्य चित्र द्वारा अंकन कर एवं दुई नंबर देची पल्स पोलियो कार्यक्रम कौन किंबा आउरी गोटे देची कौन आम शरीर स्नायु टीस्यूर गठन और कार्य सचित्र वर्णना कर ठीक अच्छे दस दस मार्क 20 मार्क एवं उपर मध्य से भाई दस दस 20 मार्क रही टोटल 40 मार्क पोर्टफोलियो एवं सब्जेक्ट एनरिचमेंट रहिब टोटल आम देखा। देखो प्रथम एक नंबर प्रश्न गालिलियो गालिलेई को द्वारा विषय लेखि एवं चित्र अंकन कर देख पिला माने प्रथमे जहाँ लेखाई से लिखि दियो किंबा या स्क्रीनशॉट मारिकी रखिपारिब सहित पिला माने मु कहि रखु जे भिडियो तुमको बुझेबी किपर समस्त प्रश्न उत्तर तुम डाउनलोड कर निज मोबाइल रे फ्री ऑफ कॉस्ट रे देखो तापरे ता पूर्वरु देखो समस्त प्रश्न उत्तर तुमको एई भली नै करि आसीबी एवं गोल गोल अक्षर लेखिबो एवं दुई पट छाड़ी लेखिबो जदि पिला माने मते कमेंट करो कि सार आम पई जेपरी लेखा जाए एवं खातरे किपर लेखा जाए लेखा पई चाहुचो ताले मते कमेंट करि परियो मु नेक्स्ट वीडियो रे तुमको किपर खातरे लेखा जिवो एवं किपर तुम लेखिले सब फुल मार्क आनी परियो मु से विषय रे मते वीडियो नै करि आसीबी किंतु ता पूर्वरु देखिनो सब प्रश्न एवं उत्तर गुडी को तुम याको स्क्रीनशॉट मारि के रखि किंबा जो किसी असुविधा अच्छी मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करंबा पाने पोस्ट करके तुम रफ नोट्रे लिखितापुर तुम जो खातार उतारी पार और गोल गोल अक्षर करके लिखिपार मु भावुची तुमर किसी भी असुविधा हो नदी किसी असुविधा हो मत कमेंट बॉक्स में कमेंट करी क्लीयर देखा जाऊनी भी मध्य मत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देख तार संपूर्ण चित्र गालिलियो संपूर्ण चित्रटी मुझे तुमको टी लो करके देखे दूसरी देख पाने गालिलियो चित्र पाने जदि यही समस्त प्रश्नर उत्तर तुम डाउनलोड करने चाहो देख किप डाउनलोड कर 9th क्लास एसए एफए3 साइंस लिखा जाइए एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2022 तुमको टच करने पड़ो एवं टच क्लब ऊपर को देखो कि क्लिक हिरो बां साइड रे लिखा जाइना एवं देख डाण साइड रे लिखा जाइए गोटे लिंक टे तुमको मुझे प्रोभाइड कर दे तुम गोटे मात्र टच करके समस्त प्रश्न उत्तर डाउनलोड कर देख किपर डाउनलोड कर प्रथम टच कर मोबाइल तुम देख मो मोबाइल चेक करके बतई दौर टे स्क्रोल डाउन करके ऊपर को नहीं जाठ सप्तम अष्टम नवम दशम समस्त श्रेणी पिलाई एथे एफए3 पोर्टफोलियो और सब्जेक्ट एनरिचमेंट रही अच्छी एवं ताकू तुम्हें टच कर ए समस्त प्रश्नर उत्तर तुम्हें पाइपर मुझे पाने तुम्हें समस्त प्रश्नर उत्तर अति ठीक भावे एवं कौन फ्री ऑफ कॉस्ट रे पाइपर थी एवं तापरे देख पिला माने नेक्स्ट प्रश्न एवं उत्तर को जीवा
ଦେଖ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଟିସୁ ରହିଛି ହେଲା, ସ୍ନାୟୁ କୋଷର ଗଠନ ଦେଖ ରହିଛି, ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୁମ୍ ଇନ୍ କରିକି ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏହାକୁ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ଏବେ ରଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଅତି କ୍ଲିଅରଲି ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏବଂ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରୁଥିବ। ଏବଂ ଯିବା, ଏହା ଥିଲା କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏଇଟା କି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ଆମେ ଯିବା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରକୁ। ଦେଖ ଏଇଟା ରହିଛି ନିଆଁ ଲିଭାଳିର ଚିତ୍ରଣାରେ, ଦେଖ ନିଆଁ ଲିଭାଳି ଜଣେ କିପରି ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମକୁ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ନିଆଁ ଲିଭାଉଛି କିପରି ହେଲା। ଦେଖ ନିଆଁଟେ ଜଳୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଲିଭାଇ ପାରୁଛି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଅତି ସହଜରେ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏବଂ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ତୁମେ ରଖିପାରିବ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖ, ସ୍ନାୟୁ କୋଷର ପ୍ରବାହ କ'ଣ ଅଛି ତୁମେ ଦେଖିବ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆଉଥରେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ, ଏକ ନମ୍ବର ଗଲାନରେ ନିଆଁ ଲିଭାଳି, ଏବଂ ଦୁଇ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ କ'ଣ କିମ୍ବା ଅଛି ଆମ ଶରୀରର ସ୍ନାୟୁ ଟୋଷର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ମୁଁ ତୁମକୁ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେଖ କିପରି ତୁମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ସ୍ନାୟୁ କୋଷର ଲେଖା ହେଇଛି ନାରେ, ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ତା'ର କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା ରହିଛି, ଏବଂ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓର ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖ, ପଲ୍ସ ପୋଲିଓର ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶ୍ୱକୁ 2000 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 1988 ମେ ମାସରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଏକ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। WHO ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଟୀକାଦାନ ଦେଖ କିପରି ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ହେଲା। ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ନେଇକରି ଆସିଛି, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖିପାରିବ। ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିବ, ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଲେଖିବା ତା ସେଇଭଳି ଲେଖିବ, ଏବଂ ଦେଖ ତା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ ହେଲା, ମଝିରେ ତୁମେ ଚିତ୍ର କରିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାର୍କ ଏକ ମାର୍କ ବି ସେମାନେ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖ ତେଣୁ ଯେପରି ଲେଖାଯାଇଛି ନା, କମା ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖ ପାରା କରିକି ତୁମେ ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ପାରା କରିକି ଲେଖିବ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମର ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ପାଇପାରିଥିବ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ତୁମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ।